अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड ना सोलर सिस्टम से मुतालिक है। हज और उमरा पे भी रिलेटेड हम बात करते रहते हैं, बट सोलर सिस्टम से मुतालिक है। तो मैं कुछ लोगों को गाइड करना चाह रहा हूं कि अभी हमें सोलर के जो प्लेट्स हैं वो अभी परचेज करनी चाहिए या हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। कंप्लीट गाइडेंस दूंगा और कुछ ही जो सोलर माफिया वाले हजरात हैं, स्टॉक माफिया वाले, उनसे भी थोड़ी सी बात करनी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उमरा और सोलर सिस्टम की मुकम्मल गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, अभी जो प्राइस है वो बड़ी स्टेबल चल रही थी, 45 रुपये से 50-51 रुपये के दरमियान में मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ प्राइसेस थी सोलर पैनल्स से मुतालिक। बट जैसे ही लोग देखते हैं कि यार प्राइसेस इस वक्त बिल्कुल लोअर साइड पर हैं, तो जो स्टॉक माफिया वाले होते हैं ये एकदम परचेजिंग कर लेते हैं और फिर स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कि अब इसकी जैसे ही प्राइस हाई होगी तो हम जनाब बिल्कुल इसको अपनी मनमानी पे, अपने रेट्स पे हम इसको सेल आउट करेंगे। इसके साथ साथ प्राइस की थोड़ी सी हाइक आने में, यानी कि प्राइस को बढ़ने की एक रीज़न ये धुंध भी है, ये मौसम भी है, क्योंकि फ़्लाइट्स बिल्कुल अप डाउन हो रही हैं। जो सामान आना होता है समंदर के रास्ते वो भी ज़्यादा लेट पहुँच रहा है। जो ट्रैफिक के थ्रू जो यानी कि पैनल्स पहुँच रहे होते हैं ट्रकों के थ्रू, कंटेनर्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा लेट पहुंच रहे हैं या कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं कि अभी हम ना जाएं किसी दूसरे शहर में। इस वजह से भी जो सामान है वो लेट पहुंच रहा है और डिमांड क्योंकि ज़्यादा थी, लोग कम प्राइस की वजह से धड़ाधड़ खरीद रहे थे। तो अब एकदम से स्टॉक माफिया वालों ने, कुछ लोगों ने होल्ड भी कर लिया, कुछ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उसको सेल आउट भी कर रहे हैं। तो अभी मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि कुछ दिन रुक जाएं, कुछ दिन इंतज़ार कर लें, सब्र करें, ये देखें ज़रा इन स्टॉक माफिया वालों के साथ होता क्या है। मैं इन तमाम स्टॉक माफिया वालों को मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि आपके पास यार जितना भी स्टॉक है ना जल्दी जल्दी बेच दें, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि अभी एक हाइप बनी हुई थी ना, हाइप बनी हुई है कि जनाब बिल्कुल हाइमोसिक्स है, हाइमोसिक्स है उसकी लॉन्गी की और जिनको की एन टाइप, और इसके बाद जनाब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और बिल्कुल चाइना से माल रेडी है पाकिस्तान शिप होने के लिए, और उसमें हाइमो 7 टेक्नोलॉजी आ रही है सोलर पैनल्स की, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आ रही है। और जिनको भी अपना एक नया यानी कि सोलर पैनल लेके आ रहा है, और इसके बाद भी यानी कि हाइमो 7 से चाइना वाले तो आगे जा रहे हैं, वो एक और टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं जिसमें पैनल्स की जो एफिशिएंसी रेट है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, ये मैं हाइमो 5 हाइमो 6 जनाब स्टॉक करके आप क्या करेंगे, आप लोग इसको जितना सेल कर सकते हैं सेल कर दें, ये बाद में 30-35 रुपये में भी नहीं बिकना आपका माल। और जो हाइमो 7 आ रही है वो, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है जो चाइना लेके आ रहा है और जिनको वाले भी लेके आ रहे हैं, वो तो उससे हाइमो 7 से भी और जिनको एन टाइप से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो उसमें तो ये 5 को 6 को इवन 7 को भी लाले पड़ जाएंगे कि ये पाकिस्तान में किस वक्त सेल होगा। तो प्राइसेस उस वक्त और भी ज़्यादा डाउन हो सकती हैं, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है। ज़रा इनको बायकॉट करें कुछ अरसे के लिए, ज़रा इनके हाथ पांव कांपने दें, बल्कि इनकी कांपें टांगने दें थोड़ी सी सोलर माफिया वालों की ना, इनको लगेगा पता कि जनाब जब पाकिस्तानी कौम बायकॉट करती है तो विद इन 1 मंथ की जैसे ही मौसम खुलना है, ज़रा संबंधी रास्ते बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा ये जो कशीदगी चल रही है 2-3 मुल्कों की ये भी थोड़ी सी बेहतर होने को है, तो बड़ा ज़बरदस्त जनाब सिस्टम बन जाएगा। थोड़ी सी परेशानी ये आई थी कि ईरान के रास्ते में कुछ सामान आता है तो ये ना हो कि बॉर्डर क्लोज हो जाए तो परेशानी हो जाए, कुछ अफगानिस्तान के रास्ते से भी, क्योंकि मुख्तलिफ रास्तों से सामान आता है ना, सिर्फ वहाँ से तो नहीं आना, एक ही पोर्ट तो नहीं है ना हमारी, वहीं से सिर्फ सामान नहीं आता। तो ये रास्ते खुलने लगे हैं और सामान आने वाले हैं बहुत, पैनल्स आने वाले बहुत, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये इंशाल्लाह प्राइस जो है अभी भी ये जो 60, 65 और 70 तक पहुँच गए थे ना, ये वापस आना शुरू हो गए हैं 53, 54। अभी 2 दिन पहले एक मेरे दोस्त ने पैनल्स परचेज किए हैं हाइमो 6 और वो तकरीबन 54 रुपये के करीब उनको प्राइस मिली है। तो ये बिल्कुल अब ये वापस लग रहे हैं, 65 तक पहुंच गए थे, 70 तक, 60 तक पहुंच गए थे, ये रिवर्स गियर लगना स्टार्ट हो गया है, तो ये दोबारा उसी रेंज में आ जाएगा। और जैसे ही नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो ये बिल्कुल 37-38 रुपये, 40 रुपये, 36 रुपये इधर कहीं घूम रही होगी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कुछ दिन रुकें। और अगर सोलर इन्वर्टर्स की अगर बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने सिर्फ एक एसी चलाना है ना, तो उनके लिए बेहतर ये है कि 3.6 किलोवाट का किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर लें, और बेहतर ये है कि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर लें। इधर उधर की बातों में आपने नहीं जाना, वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हैं, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, क्राउन भी है, इन्वेरेक्स भी है, सोलिस है, ग्रोवॉट है, ठीक है, प्राइमेक्स भी है जो एक नया ब्रांड आया, तो ये कंपनी है जो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। बाकी ये ज्यूनिक हो गई, फ्रोनस हो गई, और ये बाकी जितने भी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, तो ये इन वोल्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं है, ये सस्ती कंपनी है,
सस्ता ब्रांड यानी कि हम वहाँ से परचेज करते हैं और यहाँ पे अपने स्टिकर लगा के उसको महंगा करके बेच रहे हैं। तो आपने 3.6 तक रहना है, 4.5 पे भी नहीं जाना, क्योंकि 3.6 में आपको दो बैटरियों पे बेहतरीन सिस्टम चल जाएगा। अगर आप 4.5 किलोवाट पे दो बैटरियों वाला सिस्टम लगाएंगे तो फिर आपकी बैटरीज इफेक्ट होती हैं, ये अपने माइंड में भी रखना है। अगर आप 4.5 की तरफ जाते हैं तो फिर आप 5 किलोवाट से ऊपर ही चले जाएँ ताकि चार बैटरियाँ और आपका सिस्टम बेहतर चले। आज की वीडियो में इतना ही कहना था, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सोलर से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।